बोलूंगा फॉग चल रहा है, तो बताता नहीं है कि ऊपर से जाना है नीचे से जाना है। बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं नीचे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बजे हैं और अभी हम रेडी हैं अपना सारा सामान लेके। ट्रिप के साथ में हम लोग शादी में भी जा रहे हैं तो बहुत सारा सामान अभी हो गया है। लिफ्ट बनाने वाले का सबसे ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि उसकी की मदद से मैं सारा सामान जो है वो ऊपर से नीचे तक लेकर आया हूँ। सभी सामान हमने अभी सेट कर लिया है और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों का, उनके कंफर्ट का। तो जो पीछे मिडिल वाली जो सीट है उसके ऊपर मैं अच्छे से दरी वगैरह बिस्तर वगैरह लगा देता हूँ, ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे तो हम भी अपनी जर्नी जो है वो आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा हम लोग इसको बिछा देते हैं ताकि बच्चे यहाँ पे आराम से रहें। अभी मैं अपने सिंहासन पर बैठ जाता हूँ और गणपति बाबा का नाम लेके और जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जय गणपति बाबा। A few moments later. अभी हम लोग निकल रहे हैं तो महाराष्ट्र से मुंबई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुजरात होते हुए हम लोग राजस्थान पहुंचेंगे, जोधपुर घूमेंगे, जैसलमेर घूमेंगे, लेकिन आज हम पूरी जो जर्नी है वो कवर नहीं करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं मैक्सिमम कवर करने का, बिकॉज हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा धीरे धीरे ही जाते हैं, और क्योंकि गुजरात हाईवे से हम लोग जा रहे हैं तो काफी ट्रैफिक मिलता है। आज का हम लोग ट्राई करेंगे कि 600-700 किलोमीटर जो है वो कवर करें। अभी जो मुंबई का टेम्परेचर दिखा रहा है वो 12 डिग्री दिखा रहा है, बहुत ठंडा है। और देखिए यहाँ पे अभी जो है वो सुबह सुबह जो है बंदा काम के लिए निकल गया है। मैप तो बहुत अच्छा बनाया है, सिर्फ एक ही कमी इसके अंदर है, जब फ्लाईओवर आता है तो बताता नहीं है कि ऊपर से जाना है नीचे से जाना है। बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं नीचे से चले जाते हैं, बट ऊपर से भी आगे जाके पता लगता है कि वही सेम है। तो थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट होता है ना गूगल के अंदर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे ट्रक ही ट्रक हैं, मॉर्निंग में टाइम होता है ना सिटी के अंदर आने का, तो बहुत सारे ट्रक कभी मिलेंगे और इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, लेकिन क्या करें। तो ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं, हम तो क्या है घूमने जा रहे हैं, फ्री है। ये देखो कितनी सुबह सुबह दुकान लगाई हुई है इसने। तो सुबह जल्दी निकलना सबसे बेस्ट रहता है जब आप गुजरात हाईवे पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो जाता है। और जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं और ट्रक्स की वजह से जो है वो ट्रैफिक जाम हो रहा है पूरा। ये सभी जो है मुंबई के अंदर जाने वाले ट्रक्स हैं, क्योंकि मॉर्निंग में अलाउ रहता है। तो देखते हैं अभी कैसे पहुँचेंगे, देखेंगे हम भी जा रहे हैं हम। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो उजाला हो गया है और रात से ज़्यादा दिन में ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है, तो अभी ड्राइव करने में और ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। सो अभी हम लोग हैं नेशनल हाईवे 48 के ऊपर और अभी 7 बज गए हैं। थोड़ा यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक मिलेगा, तो ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करता है गुजरात को, गुजरात से फिर अपना राजस्थान को कनेक्ट कर रहा है। तो अभी जितना तेज भाग सकते हैं भागेंगे, लेकिन हाँ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, सीट बेल्ट पहन के रखना है, टायर का जो प्रेशर होता है वो एकदम बराबर से रखना है, ठीक है। आजू बाजू देख के पूरा गाड़ी चलाना है, ऐसा नहीं कि नींद आने लगी है। तो गाइस, हमने जो जर्नी स्टार्ट करी थी वो ठाणे से स्टार्ट करी थी, और आपको पता है कि ठाणे से जब हम निकलते हैं तो फाउंटेन होटल होते हुए ही हमको निकलना पड़ता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है।
बट लकीली अभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। दोस्तों क्या चल रहा है? तो मैं बोलूंगा फॉग चल रहा है। यस, अभी गुजरात पहुंच रहे हैं और गुजरात में आप देख सकते हैं कि फॉग छाया हुआ है और थोड़ा थोड़ा अभी मतलब विजिबिलिटी तो है, इतना ज्यादा फॉग भी नहीं है क्योंकि थोड़ा लेट निकले हुए। ये जो सामने दिख रहा है ये ट्रक वालों का प्यार है, ऐसा लग रहा है दोनों कपल जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, एक आगे एक पीछे, रास्ता ही नहीं दे रहे। अभी देखिए वो राइट वाला जो है वो आगे चला गया है। ये हमेशा ट्रक वाले जो है वो साथ साथ ही चलते हैं। भी सूरज भी उग गया है दोस्तों, सूरज दिख रहा है यहाँ पे, एकदम मस्त वाला सीन है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मस्त है एकदम, ऊपर से मौसम भी ठंडा ठंडा हो रहा है। सबसे पहला टोल जो है वो यहाँ पे आ गया है, ये है खानीवाड़े टोल प्लाजा। और खानीवाड़े टोल प्लाजा जो है वो पहला टोल है जब हम गुजरात जाते हैं। तो अभी हम लोग अपना टोल जो है वो फास्टैग से कटवा लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे 110 रुपए का जो टोल है वो लगने वाला है। और इनका टोल स्लो है शायद, टोल बड़ा स्लो है यहाँ पे। हो गया, गुड टू गो। फास्टैग लगा के भी कोई फायदा नहीं है, आपको वेट तो उतना ही करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट टोल जो है वो कौन सा आता है। सुनो, एनिवर्सरी आ रहा है क्या, गिफ्ट दोगे? बोलो तो कितने साल कंप्लीट हो रहे हैं हमारी शादी को? 9 कंप्लीट हो गए, शायद 10 जनवरी से। बोलो क्या दोगे आपको गिफ्ट देने के लिए? ना एक काम करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई बजट जो है वो हमारा रहेगा और गिफ्ट आपका रहेगा। अच्छा पहला उसका बजट हाई हुआ तो नहीं दिलाओगे? आपको दिखा सकते हैं, अभी बजट भी आ रहा है, बजट वो भी अभी लॉन्च हो गया है। लेकिन क्या होगा कि बजट जो है वो हम बनाएंगे, गिफ्ट आपका है आपका बजट। मैं अपने मुंह से अपना बजट किससे बताऊं? देखो भाई, तो बोलेंगे कि भाई जीरो बजट में जो है वो चीज आ जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं, वहाँ पे चांदी की चीजें बहुत अच्छी मिलती है, मैंने देखी हुई है। तो कुछ तो अच्छा ब्रेसलेट गले के लिए चांदी का कुछ लेना है। अच्छा, जो रेगुलर यूज में कर सकते, पहन सकते हैं। अच्छा, एक पता है चांदी के वर्क भी आते हैं। मुंबई में कितने महंगे मिलते हैं सारी चीजें। अपना जो ये बनता है ना मिठाई, उसके ऊपर भी चांदी चढ़ाते हैं। तो मिठाई दे दोगे बस? हाँ, ऐसा लगा मेरा मजाक। अभी आ गया है सेकंड टोल नाका, जिसका नाम है चारोटी। शायद मैं प्रोनाउंस बराबर कर रहा हूँ, चारोटी। चारोटी करके ये सूरत दहीसर टोलवे है जो कि सेकंड टोल नाका है। अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। अभी हमने 100 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिया है। थोड़ा ट्रैफिक था, ट्रैफिक की वजह से जो है वो थोड़ा डिले हो गए हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पे जो टोल का जो चार्जेस है वो कुछ 115 रुपए होना चाहिए। सो सेकेंड टोल जो है वो भी हमने क्रॉस कर दिया है, अभी हम जाएंगे थर्ड टोल। ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये
महाराष्ट्र चेक पोस्ट है। अभी महाराष्ट्र चेक पोस्ट से हम लोग जो है वो गुजरात में एंटर करने वाले हैं। जितने व्हीकल्स होते हैं वो अपना राइट से निकलते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेकिंग वगैरह भी चल रहा है बिकॉज महाराष्ट्र पोस्ट है। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं गुजरात बॉर्डर पे। अभी हम लोग गुजरात में इंटर हो गए हैं और गुजरात जैसा आप जानते हैं कि मतलब काफ़ी मीठा है, गुजराती लोग काफ़ी मीठे हैं और खाने पीने का मस्त यहाँ पे ढोकला फाफड़ा और नाना तरह की चीज़ें मिलती है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा चाहिए। A few moments later. ये है हमारा तीसरा टोल, बगवाड़ा टोल नाका। तीसरे टोल पे अभी हम पहुंच गए, मतलब गुजरात के अंदर ही है और यहाँ पे आई थिंक 75 रुपीज का जो है वो फेयर लगता है। चेहरे की मुस्कुराहट की वजह तो बनो, खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। बहुत सही लाइन है, मतलब ट्रक वाला सबको खुश करता हुआ जा रहा है तो सही बात है कि मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे बनी रहनी चाहिए। आप खुश रहेंगे तो सभी खुश रहेंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया आज। खोलो खोलो खोलो, धन्यवाद। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो गाड़ी से अभी हम लोग जा रहे हैं वो है अर्टिगा, सीएनजी गाड़ी है। तो हम ये भी देखेंगे कि अर्टिगा जब लॉन्ग ड्राइव के लिए हम जाते हैं तो कितना स्मूथ है, कंफर्टेबल कितना है, एवरेज क्या दे रही है। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने मुंबई में अपना सीएनजी जो है वो डलवाया था और अभी भी मतलब 3 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं और 150 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बार जब हम सीएनजी भरवा रहे हैं, 8 kg नॉर्मली सीएनजी आता है, तो 180 किलोमीटर तक एक बार में जाने वाला है गाड़ी। ये हमेशा आप पे भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। तो आप अच्छा गाड़ी चलाएंगे तो आपको एवरेज भी काफी अच्छा मिलेगा। तो ये देखो एक और आ गया टोल गेट। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बोरियाच टोल नाका। ये हमारा फोर्थ नंबर टोल नाका है, फोर्थ नंबर टोल नाका पे अभी हम लोग निकल रहे हैं और इसका जो फेयर है वो है 65 रुपीस। तो अभी हम गुजरात में आ गए, मतलब नवसारी जो है वो आने वाला ही है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जो गाड़ी का जो मेरा एवरेज निकला है वो 180 नहीं 200 किलोमीटर स्टेडी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो महाराष्ट्र में जो सीएनजी के रेट है वो ऑलमोस्ट 89.50, मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपीज है, लेकिन गुजरात में जो गैस है वो सस्ती है, 78 का ही रेट है। तो वो एक अपने को एडवांटेज मिल जाता है। गुजरात में सीएनजी या पेट्रोल हम लोग भरवाते हैं तो बहुत बहुत ही मतलब थोड़ा सस्ते में काम निपट जाता है इधर साइड में। तो इधर जब भी आप राजस्थान जा रहे हैं या अपना गुजरात जाते हैं या इसी नॉर्थ साइड में जाते हैं तो टैंक अपना गुजरात से ही फुल भरवा के रखिए। गुजरात में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जैसे सिलवासा करके जो सिटी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वहाँ पे काफ़ी बीचेस है, वाटर स्पोर्ट्स है, धोनी लेक है, तो सिलवासा करके एक जगह है। फिर दमन है, दमन जाएंगे तो बहुत सारे बीचेस वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, चर्चेस हैं वहाँ पे काफ़ी। फिर वापी जाएंगे तो दमन गंगा रिवर जो है वो सिटी से बहती है। भरूच जाएंगे तो वहाँ के जो सॉल्टी पीनट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब फेमस हैं। फिर सूरत जाते हैं तो सूरत आपको पता ही है, सिल्क सिटी बोलते हैं, डायमंड सिटी बोलते हैं, बहुत सारा कपड़ा जो है सिल्की कपड़ा सूरत में मिलता है। और डायमंड सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो सूरत है। और ऐसा भी मैंने सुना है कि जो ब्रिटिश थे वो सबसे पहले जो है वो सूरत में ही लैंड किए थे। एंड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि श्री वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया हुआ है, टॉलेस्ट स्टैच्यू है, दूर दूर से लोग जो है उसको देखने के लिए आते हैं। 182 मीटर का हाइट है, वो भी कावड़िया जो लोकेशन है गुजरात में वहीं पे बना हुआ है।
और अभी चूरों की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो फटाफट से गाड़ी रोकते हैं और अभी खाना खा लेते हैं। तो अभी हम लोग भड़ूच में रुके हैं, एक मेवाड़ करके यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। बच्चों को भी काफ़ी भूख लगी हुई है और जब बच्चों को भूख लगती है तो उनको कुछ नहीं सोचता है, जब तक खाना टेबल के ऊपर नहीं आता है तब तक तो वो लोग आतंक मचा देते हैं। तो अभी जल्दी से खाना अभी देखिए आ गया है मस्त एकदम, और होटल भी बहुत मस्त साफ सुथरा है जो कि बहुत इम्प्रेसिव है, एंड खाने का टेस्ट बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल का है। इस रास्ते पर आते हैं तो भड़ूच ब्रिज जो है उससे पहले ही ये रेस्टोरेंट है मेवाड़ के नाम से, और आप भी यहाँ का जो स्वादिष्ट खाना है वो ज़रूर खा के जाना। तो अभी खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे। बहुत हो गई अभी खाने की तारीफ, और खाना खाया है तो नींद भी आएगी, लेकिन पूरे जागते हुए अभी आगे का सफ़र तय करना है। तो अभी हम लोग भड़ूच से निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग सूरत होते हुए बड़ोदरा होते हुए अहमदाबाद। बड़ोदरा से हम लेने वाले हैं नेशनल एक्सप्रेस हाईवे 1। आपको पूरे रास्ते पे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, तो पहले ही आप खाना खा लीजिए। अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिटेड है, तो ना तो पी कर चलाएं और ना रख कर चलाएं, क्योंकि अहमदाबाद जाएंगे तो बीच में चेकिंग होती है, तो पूरा ध्यान रखें और पूरी सेफ्टी के साथ में पहुंचें। गुड इवनिंग गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं मैसाड़ा में। जैसे मैंने बताया था कि अभी या तो हम लोग काबू रोड रुकेंगे या फिर मैसाड़ा रुकेंगे, लेकिन मैसाड़ा में भी थॉट कि अभी यहीं रुकते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जैन धर्मशाला है, सिमंदर जैन धर्मशाला, वहाँ पे हम लोग रुके हैं। अभी जस्ट थोड़ा चटपटा खाया है, इंदौरी पोहा यहाँ पे, प्लस कुछ और चीज़ें हमने चटपटी खाई है। अभी थोड़ा काम करना है ऑफिस का, बिकॉज बहुत सारे कॉल दिन भर से आ रहे थे और काफ़ी सारा ईमेल्स का रिस्पांस करना भी बाकी है, तो वो अभी फिनिश करते हैं, और काफ़ी थक गए हैं अभी, सोएंगे और कल सुबह मिलते हैं वापस से, हम लोग आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलता हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में, कल की जर्नी फिर से स्टार्ट होगी। गुड नाइट।